हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 गणित में हम लोग वास्तविक संख्याएं इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तमाम अभ्यास प्रश्न भी हम लोगों ने किया है, तमाम से सवालों पर हम लोगों ने अभ्यास किया। और एनसीईआरटी जो अभ्यास प्रश्न है, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, आज हम लोग उसके प्रश्न करेंगे जिसमें प्रश्नावली 1.1, ये प्रश्नावली 1.1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो अपनी बुक आप निकाल लीजिए, एनसीईआरटी की बुक, और उसमें हम प्रश्न आपको बता रहे हैं। इन्हें आप ध्यान से समझिए और इनके आप नोट्स बना लीजिए, इनके अभ्यास कर लीजिए। गणित के प्रश्न ये अभ्यास पर ही आधारित होते हैं। जितना ही अच्छा आपका अभ्यास होगा, उतनी ही आसानी के साथ आप प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का हल ये देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें आपका पहला है, बहुत से लोग सवाल इसको लगा सकते हैं, किस तरह से लिखना है इसका भी हम तरीका सीखते हैं। यह है आपका 135 और 225, 135 और 225, ये पहला है। इसमें स्टेप एक देखते हैं। पहला स्टेप होगा हमारा, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में हम ये देखते हैं, ये लिखा हुआ है 135 और 225। इन दोनों संख्याओं को हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। अब सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम ये देखते हैं कि 225 जो है ये 135 से बड़ी है। तो रफ वर्क हमारा क्या होगा कि 225 में 135 से हम भाग दे दें, तो एक बार जाएगा आपका, ये हो गया 135। घटा देते हैं, 5 में से 5 निकाल दीजिए 0, 12 में से 3 निकाल दीजिए, ये 9 हो गया, एक में से एक निकालिए 0 हो गया। क्या आया आपका शेषफल, आ गया 90। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा प्रमेयिका, पूरा लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम क्या लिखेंगे कि ये 225 जो है ये कितने के बराबर हुआ, 1 × 135, या आप कह सकते हैं कि 135 × 1 और प्लस ये जो शेषफल आया आपका 90। ये आपका पहला स्टेप का काम खत्म, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये आपके कह रही है। अब सेकेंड स्टेप करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपका क्या हुआ कि ये देखते हैं जो शेषफल हमारा हुआ, शेषफल शेषफल है हमारा 90। तो क्या 90 ये शून्य के बराबर है, तो 90 ये शून्य के बराबर नहीं है। जब नहीं रहता है तो पुनः हम यही विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। तो अब आप पुनः विभाजन प्रमेय का लगाइए, स्टेप 3 आप करिए, ये स्टेप 3, पुनः विभाजन प्रमेयिका से, फिर से आप विभाजन प्रमेयिका लगाइए। विभाजन प्रमेयिका में अब आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू आपकी 135 है, अब 135 में आपको 90 से डिवाइड करना रहेगा। 135 में आपको किससे डिवाइड करना रहेगा, 90 से डिवाइड करना रहेगा। जब आपका शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो अब कितनी बार जाएगा, मान लीजिए कि एक बार गया, एक बार आपका गया 90 हुआ, घटा दीजिए 5 हो गया, और 13 में से 9 निकाल दीजिए, कितना हुआ 4। फिर आप देखते हैं कि पहले तो इसको लिख लें हम, क्या लिखेंगे, 135 ये इक्वल हो गया 90 × 1 और प्लस 45। अब फिर देखते हैं आपका जो शेषफल है
वो क्या 0 के बराबर है? तो आपका पुनः देखते हैं, पुनः जो शेषफल है कितना है, 45। तो 45 ये 0 के बराबर नहीं है। तो फिर अगला स्टेप आप करते हैं, एक काम करें, ये आप सेकेंड स्टेप में ही इतना कर दीजिए और ये आप थर्ड स्टेप में कर दीजिए, स्टेप ये थर्ड कर दीजिए। फिर शेषफल आपका 0 आ गया, 0 नहीं आया, पुनः आप विभाजन प्रमेय का लगाइए। अब क्या होगा, 45 से आपको भाग देना रहेगा, 45 से आपको भाग देना है किसमें, 90 में। हम जान रहे हैं कि 45 दुना हमारा 90 हो गया और शेषफल 0 आ गया। तो विभाजन प्रमेय का से, विभाजन प्रमेय का से, विभाजन प्रमेय का से हम क्या लिखेंगे, अब आपका 90 जो बराबर हो गया, ये 45 गुणे 2 और प्लस 0। तो जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो हमारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो भाजक हमारा क्या हुआ, यही 45, 45 हमारा भाजक हुआ। अब यहाँ आप एक स्टेप लिख दीजिए कि शेषफल यहाँ आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, हमारा जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गया और हम लिखते हैं HCF। ये HCF किसका किसका हमें निकालना था, 135 का और 225 का। तो 135 और 225 का जो HCF होगा वो लास्ट स्टेप का जो आपका भाजक होगा, लास्ट स्टेप का जो भाजक हुआ वो कितना हुआ, 45। तो आपका 45 क्या हो गया, 45 क्या हो गया, यही आपका 135 और 225 का HCF हुआ। तो ये देखिए, लगाने का तो तरीका बहुत आसान है लेकिन हम स्टेपिंग करते हैं, इसको स्टेप वाइज ऐसे लगाते हैं जब एल्गार्थिम विभाजन प्रमेय का जो आपकी है उसके अनुसार जब लगाना होता है। तो जो भी दिया गया है पहले स्टेप में कौन सा बड़ा है ये हम देख लेते हैं, जो बड़ा है उसमें भाग देते हैं, भाग देने के बाद उसे इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं कि ये जो 225 है ये 135 गुणे 1 और धन 90 इसके बराबर हो गया। देखते हैं शेषफल 0 नहीं है, यही प्रक्रिया फिर लगाते हैं जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं हो जाता है, और जब शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है यही भाजक ही हमारा HCF होता है। तो इसके जो सवाल हैं आपके दूसरे तीसरे, तो दूसरा और तीसरा भी मैं बता दे रहा हूँ लेकिन उसमें ये स्टेप में बार बार लिख नहीं रहा हूँ। अब आप देखिए, आसानी के साथ आप समझ सकते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड है 196, 196 और 38220, 38220। तो इसको हमें हल करना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हमको लगाना है। इसमें देखते हैं कि हम बड़ा कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप में हमने लिखा 38220, ये ग्रेटर देन है 196। तो क्या करते हैं, 38220 में हम डिवाइड करते हैं 196 से। तो 196 से आप डिवाइड करिए, कितनी बार जा रहा है, एक बार ही जाएगा आपका, 196 हो गया, 12 में से 6 निकालिए 6 हो गया, ये हो गया 17, 17 में से 9 निकालिए 9, 8 17, यहाँ 8 हो गया और यहाँ आपका 2 बचा, 2 में से 1 निकालिए 1, 186। अब फिर अगला स्टेप, ये अगला अंक 2 उतार लेते हैं। अब कितनी बार आपका जाना चाहिए, ये देखिए 19 से आपको भाग देना है, 19 नवा 171, लगभग 9 बार जाएगा, 9 छक 54 के 4 हो गया, 5 हो गया, 9 नवा 81,
इक्यासी और पाँच छियासी के 6 हुआ, 8 हुआ, 9 कन्नम 9 और 9 8 17, ये हो गया आपका। घटा लिया जाए 12 में से 4 निकल गया, 8 4 12, ये हो गया 15, 15 में से 6 निकालिए, 9 6 15, और ये आपका 7 में से 7 निकल गया, ये 0 हो गया। अब आप 0 उतार लीजिए, और कितनी बार लगभग जाना चाहिए, 19 5 95, 5 बार ट्राई करते हैं, तो 5 36 के 0 हो गया, 3 5 9 45 और 3 48 के 8, 4 हो गया, 5 5 और 5 4 ये 9 हो गया, घटा दें तो ये शेषफल आपका 0 आ गया। तो यहाँ पहला ही स्टेप जैसे हम करते हैं, वहाँ हमको क्या मिल रहा है, जब ये ग्रेटर है तो प्रमेय का लगाते हैं, तो 3 8 2 2 0 ये बराबर हो गया आपका क्या, 196 × 195 और प्लस 0, आपका शेषफल कितना आ गया, यहाँ शेषफल आपका हो गया 0। और जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो भाजक होता है वही HCF हो जाता है, तो HCF किसका किसका, 3 8 2 2 0 और 196, इसका HCF ये कितना हो गया, 196, 196, 196, यही इसका HCF हो गया। तो ये बहुत ही आसान था। अगला भी ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं, तीसरा है, ये दिया गया है आपको 867 867 और 225 225, ऐसे स्टेप यहाँ भी हम लोग लिखते हैं। पहले स्टेप में हम देख रहे हैं कि 867 ये ग्रेटर है 225 से, तो जब ग्रेटर है तो हम पहले भाग दे करके इसको चेक कर लेते हैं, 867 में 225 से ये भाग देते हैं, तो कितनी बार ये जा सकता है आपका, 3 बार जा सकता है, 22 3 66, तो 3 5 15, 5 1 हो गया, 3 2 6 1 7 हो गया और 3 2 6 हो गया, 4 4 बार जाएगा नहीं, तो देखते हैं, 7 में से 5 निकाल दीजिए 2, ये हो गया 16, 16 में से 7 निकाल दीजिए 9 7 16 हो गया, और 7 में से 6 निकल गया, ये आपका 1 हो गया। तो यहाँ हमको लिखना होगा कि पहला स्टेप में हमारा ये शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि 867 ये इक्वल हो गया 225 और × 3 और प्लस 192, और यहाँ हम देखेंगे कि जो शेषफल है हमारा, सेकंड स्टेप में क्या लिखे कि 192, आप लिखिएगा शेषफल ये 0 के बराबर नहीं है, तो 192 ये शेषफल जो है ये 0 के बराबर नहीं है। फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर 225 है तो जब 192 हमारा 0 नहीं हुआ, तो अब हम लोग 192 से भाग देंगे, किसमें, 225 में, 225 में आप भाग दीजिए 192 से, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जा रहा है, 192, हम लिखेंगे 5 में से 2 निकाल दीजिए, ये 3 हो गया, और 11 में से 9 निकाल दीजिए, ये 2 हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 225 और ये इक्वल हो गया 192 × 1 और प्लस 23। अब यहाँ हम देखते हैं कि 23 फिर हमारा ये 0 के बराबर नहीं है, तो अब 0 के बराबर नहीं है, फिर हम थर्ड स्टेप लगाएंगे, फिर यही प्रयोग करेंगे, यही प्रमेय का लगाएंगे,
देखिए 23 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी जीरो, तो क्या करते हैं अब 23 से हम डिवाइड करते हैं किसमें, 192 में। कितनी बार आपका जा सकता है, दो नवा 18, नौ बारह कर ले जाते हैं, 9 3 27 के साथ 2 हो गया, 9 2 18 2 20 ज़्यादा हो जा रहा है, 8 ही बार ले जाते हैं तो 8 3 24 के 4 2 हो गया, और 8 2 16 17 18 ये हो गया हमारा, और 12 में से 4 निकाल दीजिए, 8 हो गया, और ये भी हो गया 8, तो 8 हो गया हमारा। तो यहाँ हम फिर देखेंगे, तीसरा स्टेप लिखते हैं, और तीसरे स्टेप में हम लिखेंगे कि हमारा जो 192 है, 192 ये इक्वल लिख सकते हैं 23 इंटू 8 और प्लस 8 हो गया। फिर यहाँ 8 आपका 0 के बराबर नहीं है, और जब 8 0 के बराबर नहीं है तो फिर यही प्रक्रिया लगाएंगे, 8 से हम भाग देंगे किसमें, 23 में, तो 8 गुना हमारा हो गया 16, और 13 में से 6 निकाल दीजिए हो गया 7, फिर आपका 0 के बराबर नहीं है, ये प्रक्रिया हम ऐसे करते ही जाएंगे। यहाँ हो गया हमारा 23, ये इक्वल हम लिख देंगे 8 इंटू 2 और प्लस 7, 7 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी 0। फिर हम क्या करेंगे, इस 7 से भाग देंगे, 8 में भाग देंगे, 7 और 7 1 हो गया। तो अब यहाँ हम देखेंगे क्या लिखेंगे कि 8, ये आपका 8 पांचवा स्टेप मान लेते हैं, तो 8 ये इक्वल्स टू भी हो गया 7 इंटू 1 और प्लस 1, फिर यहाँ 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू भी 0, तो शेषफल आपका शून्य नहीं आया। तो इसका मतलब हुआ कि 7 भी हमारा नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा ये सवाल है, जब ये आपका शून्य नहीं आया तो अब देखिए हमने 7 से भाग दिया, 7 9 7, इसका मतलब हम छठा स्टेप क्या लिख सकते हैं कि 7 ये इक्वल्स टू भी हो सकता है यहाँ। अब जैसे अब हमको क्या करना चाहिए कि 1 से हमको भाग देना चाहिए, अब 1 से हम भाग दें किसमें, 7 में, तो 1 7 7 हो जाएगा और आपका शून्य हो जाएगा, तो 7 को हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू 1, 7 9 7 और प्लस 0, अब आपका ये शेषफल 0 आया। लेकिन अब यहाँ चूंकि ये दोनों ऐसी संख्याएं थीं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता था, तो यहाँ जो 1 आया यही 1 ही इसका HCF होगा, तो HCF जो होगा किसका किसका, हमारे पास जो संख्याएं थीं वो क्या क्या थीं, संख्या था हमारे पास 867 और 225, इसका HCF कितना हो गया, इसका HCF ये 1 हो गया। तो अगर दो विषम संख्याएं हैं, जैसे हमारा 13 हो गया 17 हो गया जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका HCF क्या होगा, वो 1 होगा, अभाज्य संख्याओं के लिए HCF हमारा 1 होगा। तो ये अच्छा सवाल आपका था, अगर दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो उस संख्या का HCF ये 1 होता है। दूसरे प्रश्न का हल हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, मान लेते हैं कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, a क्या है, मान लेते हैं कि माना लिख देते हैं a एक विषम धन पूर्णांक है, ए एक
विषम, धन पूर्णांक है। माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक, लीजिए ये ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक मिनट, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और हमको जैसे लिखना है 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो ए और बी, बी हम ले लेते हैं 6, ठीक है, और हमने मान लिया कि बी जो है हमारा ये 6 है, क्योंकि 6 आ रहा है 6q+1। तो इस तरह से जो एल्गार्थिम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम प्रयोग करेंगे उसमें ये जो आर का मान होगा, जो रिमाइंडर होगा, वो क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। भाग देने पर शेषफल या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन इस 6 से जिससे हम भाग देंगे उससे क्या होगा, उससे हमेशा कम होगा, तो इज लेस देन ये 6 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो संभावित r के मान होंगे, वो r के संभावित मान हमारे कौन कौन से हुए, वो हो गया हमारा 1, नहीं 0 भी लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हम 6 नहीं लिखेंगे, 4 और 5 हुआ। तो इस तरह से जो a संख्याएं होंगी, a संख्याओं के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे ये हम लिखते हैं कि 4q+1, 4q+3, इस तरह से जो लिखा गया है, तो 4q कह रहे हैं, 6q, तो जो संख्याएं होंगी हमारी, वो संख्याएं क्या होंगी, 6q+, जिसे हमको लिखना है वो क्या हो, हम लिखेंगे BQ+R, ये संख्याएं होंगी। अब यही एक एक मान लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, 6q हो गया, जब रिमाइंडर R हमने लिखा, ऐसे ही 6q+1 होगा हमारा, ऐसे ही 6q+2 होगा, ऐसे ही 6q+3 होगा, ऐसे ही 6q+4 होगा, और ऐसे ही 6q+5 होगा। ये जो हैं ये हमारी संख्याएं होंगी। और अब ये देखते हैं कि हमने भाग किससे दिया है, वो बी से हमने भाग दिया है। अच्छा, भागफल हमारा क्या आया है, भागफल हमारा क्यू आया है, और ए एक आपको दिया गया है कि विषम पूर्णांक है। तो जब विषम पूर्णांक होगा तो ये 6q+2, 6q+4, ये का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों में जो विभाज्य है वो 2 है। क्या नहीं हो सकता है, देखिए ए जो है यहाँ दिया है, ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो चूंकि ए विषम है, अतः 6q, 6q+2, 6q+4, 6q+4 तक में, मतलब 6q, 6q+2, 6q+4, इन सब को ए से हम विभाज्य नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इन तीनों में जो विभाज्यता है, इसकी विभाज्यता, ये 2 है। विभाज्यता 2 कैसे, 2 से देखिए ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, विभाज्यता होगी 2 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, तो विभाज्यता 2 है। तो विभाज्यता अगर 2 है तो इसका मतलब हुआ कि यह इस रूप का नहीं हो सकता, जबकि ए विषम है तो इन रूपों में संख्याएं नहीं हो सकती, नहीं हो सकती,
तो इस रूप में नहीं हो सकती। तो कौन कौन से रूप आपके बचे? तो जो हमारे रूप बचे वो विषम धन पूर्णांक बचे। अतः अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन। अब देखिए ये नहीं हुआ तो ये हमारा बचा क्या, सिक्स क्यू प्लस वन, फिर सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस थ्री, या सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होगा, के रूप का होगा। तो ऐसे कोई भी हमारा सवाल होगा उसमें हम लोग इसी तरह से इसको निकाल लेंगे, और इसमें हम लोग ये देख लेंगे कि कौन सा विभाज्यता प्रदर्शित कर रहा है, तो उसको छोड़ करके बाकी जो बचे वो उस संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। तीसरा देखते हैं सवाल। तीसरा प्रश्न यह है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए जहाँ भी अधिकतम संख्या आपको ज्ञात करना हो वहाँ क्या करना है, HCF हमें ज्ञात करना है। HCF अधिकतम संख्या निकालना है आपको, HCF ज्ञात करना है। किसका किसका? 616 सदस्य हैं और 32 सदस्य और भी हैं, तो हमें 616 और 32 का HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप निकालिए। पहला स्टेप, 616 आपका बड़ा है 32 से, तो हम 616 में रफ वर्क भी करके दिखाते रहिएगा, है ना, इससे आपकी गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो देखिए 3 5 32 2 64 हो जाएगा, एक बार ले जाइए, ये हो गया आपका 32। 11 में से 2 निकालिए, 9 हो गया, 5 में से 3 निकाल दीजिए, 2 हुआ, ये 6 उतार लीजिए, 3 9 27, 9 12 अगर ले जाएं, 9 2 18 और 9 3 27 और 1 28 और 16 में से 8 निकालिए, 8 हो गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 616 ये बराबर हो गया 32 × 19 और धन 8। तो सेकेंड स्टेप में तुरंत देखेंगे कि जो शेषफल है, शेषफल आपका 8, ये शून्य के बराबर नहीं है, तो पुनः हम लोग लगाएंगे। पुनः क्या करते हैं, 8 से भाग देंगे 32 में, और 8 चौक हमारा ये 32 हो जाएगा और शेष हमारा 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, 32 बराबर हो गया हमारा 8 × 4 और धन 0। अब यहाँ लिख देंगे शेषफल, ये हमारा हो गया 0। अतः HCF 616 और 32 का, 616 और 32 का HCF कितना हो गया, ये आपका 8। तो इस तरह से अगर हम समान संख्या वाले उन स्तंभों की अधिक से अधिक संख्या लिखना चाहें जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो वो संख्या हमारी क्या हुई, वो हमारी संख्या हुई 8। चौथे का हल ये देखते हैं। चौथा है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या
3m+1 का रूप होता है। चलिए मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 ऐसा देना है। तो a व b बराबर 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये a हो गया, a व b बराबर 3 लेते हैं क्योंकि हमको 3m लेना है। में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब यूक्लिड विभाजन आप प्रमेयिका जब इसमें लगाएंगे तो 0 इससे बड़ा या बराबर होगा r, और r का मान लेस देन b होगा, b का मान यहाँ 3 है। तो यहाँ से हमें r का क्या क्या मान मिलेगा, 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 नहीं हो सकता है। तो 0, 1 और 2 ये हो सकता है। तो इस तरह से जो संख्याएं हमारी होंगी वो संख्याएं हमारी कौन कौन सी होंगी, जीरो जब हम लिखेंगे तो जैसे हमको वास्तव में संख्याएं किस रूप में लिखनी है, BQ+R। तो हमारी संख्याएं आपकी क्या क्या हुई, BQ, बी आपका क्या है 3, तो 3Q पहले 0 लिख दिया, फिर क्या हो सकता है हमारा 3Q+1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3Q+2 हो सकता है। तो हमारी जो संख्याएं हुई वो 3Q हुई, 3Q+1 हुई और 3Q+2 हुई। अब ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अब हम लोग लेते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेते हैं, तो आपका है 3Q, 3Q का वर्ग ले लीजिए, 3Q का वर्ग लेंगे क्या हो गया, 9Q² हो गया। अब 9Q² में हम लिख सकते हैं 3 × 3Q², ये जो 3Q² है इसे हम m ले लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × m, जहाँ आपका m बराबर हो गया 3Q². तो इस तरह से ये 3m के रूप में हो गया। ऐसी ही अगली संख्या है हमारी 3Q+1, और 3Q+1 का वर्ग लेते हैं, 3 का वर्ग हो गया 9, 9Q², फिर प्लस आपका 1 हो गया, और प्लस 2 × 3 6, 6Q हो गया। तो अब इसमें हम देखते हैं, इसमें इन दोनों में हम कॉमन कर लें, अगर क्या 3Q कॉमन कर सकते हैं या केवल 3 ही आप कॉमन करें, 3 अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से हुआ हमारा 3Q² और प्लस 2Q और प्लस 1, और इसे हम m लिखते हैं, तो अगर इसे m लिखते हैं तो यही वैल्यू आपकी कितने के बराबर हो गई, 3m+1, और यहाँ लिखना होगा जहाँ ये m बराबर हो गया हमारा 3Q² + 2Q, और इसी तरह से हमारा है 3Q+2, तो 3Q+2 के रूप में हम देख लेते हैं, 3Q+2 का वर्ग करते हैं, 3Q+2 इसका स्क्वायर करिए, जिस तरह से इसको किया गया ऐसे ही 9Q² हो गया, प्लस 2 का वर्ग हो गया आपका 4, और प्लस 3 × 6 × 12 ये क्यू हो गया। इसी तरह से इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसको करने के लिए हम लिख दें 9Q² + 3 और प्लस 12Q और प्लस 1, ये लिख दिया, इन सब में आपका 3 ये कॉमन है, तो ये आपका 3 हो गया कॉमन,
क्या हुआ, 3q² + 1 और +4q + 1। अगर इसे हम m ले लें तो ये भी हो गया आपका 3m + 1 के फॉर्म में हो गया, जहाँ m जो हुआ हमारा, ये m बराबर हो गया हमारा 3q² + 4q + 1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। या तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3m के रूप में आया और या फिर 3m+1 के रूप में आया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। तो बहुत आसान है, जो भी आपको दिया गया है 3m जैसे हमको लाना है, तो b को हम 3 मान लेंगे, r के मान लिख लेंगे, और इस तरह से जो हम संख्याएं BQ+R लिखते हैं, 3Q, 3Q+1, 3Q+2 हो गया। संख्याओं का वर्ग देखना है, पूर्णांक का वर्ग देखना है, वर्ग करेंगे और उसे 3m और 3m+1 के रूप में दिखा देंगे। और इस तरह से हम देखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। पांचवा इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 का रूप होता है। ये पांचवा देखिए, जैसे आपने स्क्वायर का लिखा है ऐसे ही हम लोग घन का लिखेंगे। तो यहाँ मान लीजिए, माना ए कोई धन पूर्णांक है, माना ए कोई धन पूर्णांक है, अब ए वा बी बराबर 3 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या पाएंगे कि 0 < r = b, r < 3। यहाँ से हमें r का जो मान रिमाइंडर जो हमें मिलेगा वो 0, 1 और 2 मिलेगा। जो संख्याएं हमें मिलेंगी वो संख्याएं क्या होंगी, BQ+R। संख्या क्या होगी, BQ+R। तो इस BQ+R से हमें संख्याएं क्या मिलेंगी, हम 0 लिखेंगे तो हमें 3, b बराबर हमारा 3 है तो 3q मिला, ऐसे ही 3q+1 मिला और ऐसे ही 3q+2 मिला। ये हमें संख्याएं मिली। अब इन संख्याओं का क्या करना है, घन करना है। तो अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं का घन करते हैं। तो पहली हमारा है 3q, इस 3q का घन करते हैं, 3 * 3 9 = 27, 27q³ हो गया। 27 में हम ऐसे लिखते हैं, हमें 9 के फॉर्म में लेना है तो 9 लिख दें, 9 * 3 = 27, 3q³। अब अगर 3q³ को हम m लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 9m, और जहाँ m बराबर हो गया हमारा 3q³, तो ये 9m के रूप में आपका हो गया। ऐसे ही 3q+1 का, 3q+1 का क्यूब ये लेते हैं
तो ये हो गया ए प्लस बी का क्यूब। तो ए क्यूब सूत्र है आपका 3q का क्यूब ए क्यूब प्लस 3a² b। तो 3 और 3q का स्क्वायर और b आपका 1 हो गया, प्लस 3ba² तो 3 हो गया, b हो गया हमारा 3q और b हो गया 1, ये 1² हो गया, और प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 का क्यूब आपका 1 हुआ, तो यहाँ हमें 1 लाना ही है, तो इसमें कोई परिवर्तन ना करें। यहाँ से देखिए सब में आपका 9 कॉमन हो सकता है, यहीं से हम 9 कॉमन कर लें, 9 कॉमन कर लेंगे। आप देखिए 3 घात है, तो ये 2 घात बाहर हो गया, 1 घात आपका बचा, तो 3q³ बचा। यहाँ से 3 का वर्ग 9, ये कॉमन हो गया, 3 बचा, तो 3 और q² बचा। और यहाँ से 3 3 9, ये कॉमन हो गया, क्या बचा खाली आपका q बचा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये इसको यहाँ लिख देते हैं, 9q³ प्लस 3q² प्लस 1। और अगर हम इसे लिखना चाहें 9m प्लस 1, तो जहाँ m की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3q³ प्लस 3q² प्लस q, 3q³ प्लस 3q² और प्लस q। और इसी प्रकार अब हमको लेना है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, इसका भी हम क्यूब लेते हैं, तो यही फार्मूला फिर लगा देते हैं, a क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस ए 3a² b, तो 3 3q a² और b, b की जगह पे आपका 2 हो गया, फिर प्लस 3a की जगह पे 3q b² तो 2 का वर्ग हो गया, और प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब हमको 8 चाहिए, चलिए ये आपको मिल जा रहा है, और 9 फिर कॉमन इसमें लेते हैं, तो 9 कॉमन कर लिया, क्या बचा यहाँ से 3q³ बचा, यहाँ से 3 का वर्ग 9, ये आपका कॉमन हो गया, तो आपका 3 दुना 6 तो प्लस 6q² ये बचा, यहाँ से 3 3 9 ये कॉमन हो गया, 2 दुना 4 तो 4q आपका हुआ, और 2 पर घात 3 का मतलब हो गया 8। तो इसे हम किस रूप में लिखेंगे, 9m+8, ये हो गया 9m+8। और जहाँ हमारा m बराबर क्या हो गया, ये वैल्यू इसकी जगह पे हम m लिख सकते हैं, तो 3q³ प्लस 6q² और प्लस 4q, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ये 9m के रूप में है, 9m+1 के रूप में है, या 9m+8 का रूप होता है। तो लास्ट में हम लिख देते हैं, अतः किसी धन पूर्णांक का घन या धनात्मक पूर्णांक का घन किस किस रूप में, 9m, 9m+1 और 9m+8 रूप का होता है। तो जिस तरह से आपका स्क्वायर वाला था, उसी तरह से आपका ये क्यूब वाला है। तो इस तरह से ये हमारा 1.1 प्रश्नावली समाप्त होता है। अब हम लोग अगले उसमें जो है अगले अंक में 1.2 ये करेंगे। धन्यवाद।